सो हेलो फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड डायोप्टर्स। फ्रेंड्स, सीरीज़ की इस थर्ड वीडियो में अपन अक्साई चीन की एक डीप एनालिसिस लेंगे और ये देखेंगे कि आखिर कैसे इंडिया और पाकिस्तान के बाद चाइना भी जम्मू कश्मीर का एक परमानेंट स्टेक होल्डर बन जाता है। फ्रेंड्स, भारत को आज़ादी मिली 1947 में और इसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 1950 में एक कम्युनिस्ट लीडर माओ के अंडर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म हुई। मतलब इन दोनों पड़ोसी देशों को तकरीबन एक ही वक्त पर आज़ादी मिली थी। उस वक्त पूरे भारत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे और भारत चीन को अपना एक नेचुरल लाइन मानने लगा था। हमारे तब के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इंडो चाइना रिलेशंस को मजबूत करने में लगे थे, लेकिन ये दोस्ती बिल्कुल एक तरफा थी। आज़ादी के ठीक बाद चाइना ने अपने से सटे एक आज़ाद देश तिब्बत पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरे तिब्बत पर कब्जा कर उसे चाइना के एक राज्य में कन्वर्ट कर दिया, एक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन भारत दोस्ती के नाते इस पर बिल्कुल खामोश रहा। फ्रेंड्स, तिब्बत जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर ईस्ट में अरुणाचल तक को टच करता था और अब चूंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में था, इसलिए भारत की चिंता बॉर्डर्स को लेकर काफ़ी बढ़ गई थी। और 1959 में चाइना जॉनसन्स लाइन और मैकमेल लाइन से सटे एरियाज पर दावा करने लगा। जॉनसन्स लाइन अक्साई चीन वाला इलाका था और मैकमेल लाइन अरुणाचल और तिब्बत की डिमार्केशन लाइन थी। ये इलाका तकरीबन 50,000 वर्ग मील का था। और फ्रेंड्स, इसी बीच भारत ने तिब्बत के 14वें दलाई लामा, जो कि प्रेजेंटली अभी भी दलाई लामा है, उन्हें और उनके साथ तकरीबन 1,00,000 तिब्बतन्स को भारत में ही शरण दे दी। बस यहीं से क्या था, दोनों देशों के बीच में टेंशन बिल्ड हो गई और चाइना ने 1962 में आखिरकार दो तरफ से भारत पर हमला कर दिया। भारत इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और नतीजा ये हुआ कि चाइना की तरफ से एक तरफा जीत हुई। चाइना जम्मू कश्मीर के अक्साई रीजन और अरुणाचल के तवांग रीजन को जीत चुका था, लेकिन अब इसके बाद चाइना आगे और लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था और उसने अक्साई को अपने पास रखते हुए अरुणाचल से अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया और सीज़ फायर को घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर चाइना ने अक्साई चीन को छोड़कर अरुणाचल पर कब्जा क्यों नहीं रखा। अक्साई चीन की कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं थी और ऐसा कहा जाता था कि वहाँ पर एक घास भी नहीं होती, और दूसरी तरफ अरुणाचल हर मामले में काफ़ी बेहतर राज्य था। लेकिन यहाँ चाइना ने दूर की सोची, उसने अक्साई चीन को रखा क्योंकि यहाँ से देश की राजधानी दिल्ली काफ़ी नज़दीक थी और कल होकर अगर फिर से वॉर होती इंडिया चाइना के बीच, तो चाइना यहाँ से भारत पर प्रेशर बहुत ही ईजिली बिल्ड कर सकता था। और चाइना अक्साई चीन से पाकिस्तान की मदद कर भी इंडिया पर प्रेशर बिल्ड कर सकता था, जैसा कि वो अभी भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड के ज्योग्राफिकल एरिया वाला ये अक्साई चीन अब चाइना के कब्ज़े में है और भारत भी इस पर अपना दावा बनाए हुए है। 1962 से लेकर आज तक भारत ने जम्मू कश्मीर के इस इलाके को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और अभी सिर्फ बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करने की कोशिशें जारी हैं। तो लास्टली जम्मू कश्मीर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसका कि पहला पार्ट था जो इंडिया एडमिनिस्टर्ड है, दूसरा पार्ट जो POK में चला गया और तीसरा पार्ट जिसके बारे में हमने अपने डिस्कस किया, अक्साई चीन। और फ्रेंड्स, इस वॉर को एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इस वॉर को अपन सीनो इंडियन वॉर भी कहते हैं, तो सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको लगता हो कि इसने आपकी नॉलेज में ऐड कराया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका अक्साई चीन पर क्या कहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करो। सो थैंक्स अ लॉट।